लास्ट सेशन में मैंने एलिप्स स्टार्ट कर दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिप्स क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है। मैं वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ एक बार कि लाइक दिस इज़ द मेजर एक्सिस, दिस इज़ द माइनर एक्सिस। ठीक है, दो फोकस होते हैं हमारे, फोकस वन एंड फोकस टू, प्लस सी कॉमा ज़ीरो। सॉरी, सो सॉरी, वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल माई स्नीज। हाँ, सो माइनस सी कॉमा ज़ीरो, एंड दो वर्टेक्स होते हैं मेरे, वर्टेक्स वन एंड वर्टेक्स टू, दैट इज माइनस ए कॉमा ज़ीरो एंड ए कॉमा ज़ीरो। आफ्टर दैट दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस, दिस लेंथ इज डिनोटेड एज बी, दिस होल लेंथ इज डिनोटेड एज ए, दिस होल लेंथ इज डिनोटेड एज सी। देन यू हैव बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये एक सर, रिलेशन बताया एल था। कौन सी लेंथ को कहते हैं? एल नहीं, बी हाँ बी बी इज दिस माइनर एक्सिस, यहाँ सेंटर से ये वाला वर्टेक्स इज बी। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल बी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा, तो दैट विल बी 2p। और अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो दैट विल बी इस पॉइंट से इस पूरा। पॉइंट तक, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे कि वर्टेक्स क्या होता है, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, सो ऑन। फिर मैंने एलिप्स की इक्वेशन आप लोगों को बताई थी, तो दैट केम आउट एज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ओके, और फिर मैंने बताया था कि एलिप्स अगर मेजर एक्सिस एक्स के एक्स एक्सिस पे है, तो द एलिप्स विल बी दिस दिस वन। इफ मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो जाएगा, तो एलिप्स विल बी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा कुछ। मतलब जहाँ पे फोकस रहेगा, जिस एक्सिस पे फोकस रहेगा, फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो जाएंगे, सी जीरो कॉमा सी एंड जीरो कॉमा माइनस सी, एंड अकॉर्डिंगली वर्टेक्स भी चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के एलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। तो अगर ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि मेजर एक्सिस जिस एक्सिस पे लाई कर रही है, एलिप्स हमारा एक्स स्क्वायर के नीचे वही वाला आएगा। लाइक इफ द मेजर एक्सिस इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ए स्क्वायर है। और अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस इतना सही याद रखना है। यश, लिखना है तो लिख लो, मतलब आज लास्ट लेक्चर में लिखवाया था मैंने, तो अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो। नहीं सर, लिख फिर भी पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने एक टर्म बताया था आप लोगों को, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी होती है किसी भी चीज के लिए, एसेंट्रिसिटी होती है सी बाई ए। यहाँ पे सी जो होता है वो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ए जो होता है वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है। बट सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस सी, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ए। तो सी बाई ए लेस देन वन है कि ग्रेटर देन वन है फॉर एलिप्स? सर ग्रेटर देन वन लेस देन वन है। सर, एलिप्स के लेना स्मॉलर देन हाँ देखो, ये यस। डिस्टेंस सी है और ये डिस्टेंस ए है, तो सी छोटा है ना ये से, तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर हाँ बड़ा, तो लेस सर, देन बनाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है, तो दिस इज एलिप्स, दिस इज एलिप्स। इफ सी बाई ए इज ग्रेटर देन वन, तो हाइपरबोला बन जाता है। हाइपरबोला। वो भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मतलब इसी क्लास में भी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सी बाई ए अगर लेस देन वन है तो एलिप्स बन जाता है, सी बाई ए ग्रेटर देन वन है तो हाइपरबोला बन जाता है। तो एसेंट्रिसिटी याद रखना, किसी भी चीज की एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको फोकस और वर्टेक्स चाहिए, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस और सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, पैराबोला में मैंने बताया था। एनीवन? सर जो बी वाला लाइन, 2B वाला लाइन है वो। नहीं मैडम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है कि मेजर एक्सिस पे अगर मैं फोकस से परपेंडिकुलर बनाऊं, इफ हाँ एक्सिस का फोकस पे, परपेंडिकुलर सॉरी। बनाए पासिंग थ्रू फोकस, तो एंड टू एंड जहां मिलते हैं उसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, राइट? सर ये मतलब दो पैराबोला का ही कॉम्बिनेशन है।
मतलब ऐसा कह सकते हो कि हाँ दो पैराबोला का कॉम्बिनेशन है, बट पैराबोला का कॉम्बिनेशन से बेटर ऐसा सोचो कि ये सर्किल को फ्लैट किया हुआ है, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज वैसे है ना। प्रॉपर्टीज नहीं, टर्म्स वैसे हैं, हाँ भाई टर्मिनोलॉजी सेम है, लेकिन पैराबोला में सेंट्रिसिटी नहीं होती, वो सर्कुलर एलिप्स और हाइपरबोला में होता है, लेटेस्ट रेक्टम होता है, ठीक है? तो लेटेस्ट रेक्टम इज की लाइक इफ आई हैव अ फोकस, तो फोकस से परपेंडिकुलर अगर मैंने बनाया है, मेजर एक्सिस से, मतलब मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर फोकस से पास होता हुआ, इफ आई एम ट्राइंग टू मेक अ लाइन, तो वो एंड टू एंड कहाँ मीट करेगा, इस लेंथ को पूरे, इसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, एक बार निकालने की कोशिश करते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज, अच्छा फोकस के कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास 0, सॉरी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मान लो -3, 0 टू हो सी गया, होगा ना लेंथ। नहीं बेटा देखो, देखते हैं, इफ दिस इज 0, c, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया तो ये भी -c ही रहेगा, राइट? एक्स एक्सिस विल रिमेन हाँ सेम, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर बनाया तो वाई एक्सिस वाली लाइन पे होगा, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? बी बी नहीं होगा, पूरा ऊपर तक नहीं पहुंचेगा ना, अच्छा हाँ हाँ बी से थोड़ा कम होगा। बी से थोड़ा कम होगा, लेट्स टेक इट एज वाई, अभी देखते हैं उसको बाद में, वाई को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। नाउ यू नो दैट दिस -c, y सेटिस्फाइंग दिस y1 ले ले रहे हैं या y डैश ले ले रहे हैं, इसको एलिप्स कौन सा वाला फॉर्म है मेरा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये वाला फॉर्म है। तो x की जगह अगर मैं -c सब्सटीट्यूट कर दूं, x की जगह -c सब्सटीट्यूट करोगे -c, y डैश, क्योंकि ये पॉइंट पास हो रहा है, इस दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस एलिप्स, सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, राइट? यस तो बस सेटिस्फाई वहां पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो यू विल बी गेटिंग सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है, एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है, ठीक हाँ है? तो अगर इफ दैट इज एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर, तो बेसिकली आई कैन राइट इट एज ई, हाँ ओके, तो इसको ई लिख दिया, ई का स्क्वायर लिख दिया, तो बेसिकली वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - e² राइट? और अगर मैं वाई डैश स्क्वायर निकालूंगा तो दैट विल बी बी स्क्वायर अपॉन 1 - e² ना, इफ वाई डैश स्क्वायर इज बेसिकली वो वाई डैश की वैल्यू अगर मैंने निकाल ली ना, तो क्वेश्चन में मेरे पास देखो कितना सिंपल सिंपल हो जाएगा, लाइक इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ वाई डैश, तो बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम विल बी, हुआ हाँ, तो फिर अब थोड़ा सा वापस से इसको कैसे लिखते हैं, बी डैश बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अगर ई स्क्वायर को सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाता है, यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है, देखो यस ये चीज, दिस इज ट्रू फॉर एवरी एलिप्स, ठीक है? दिस इज ट्रू ऑलवेज, इसी कंडीशन के बेसिस पे मैंने एलिप्स बनाया है, बेसिकली एलिप्स क्या होता है कि यहाँ का डिस्टेंस एंड यहाँ का डिस्टेंस का सम इज इक्वल्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a, तो इसी कंडीशन के बेसिस पे आई गॉट द एलिप्स, तो एलिप्स के लिए दिस थिंग इज ऑलवेज वैलिड, ठीक है? इफ दिस थिंग इज ऑलवेज वैलिड, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो बेसिकली मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, एंड वाई डैश विल बी इक्वल टू, वाई डैश इज दिस पॉइंट, वाई डैश विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट? प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो एक ये वाई डैश यहाँ पे एक प्लस पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, एक निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, समझ में आ रहा है वाई डैश के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकल गए?
सर ये 1 माइनस ई स्क्वायर क्या उसके बाद बताओ ना ई स्क्वायर को बेटा वापस से सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रिप्लेस कर दो कैल्सियम ले लो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर उसको बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया ठीक है तो वाई डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल गया मुझे प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा आप बताओ कॉर्नर में वो बी स्क्वायर है ये b टू द हाँ ये अंदर में b स्क्वायर लोगे और बाहर एक b स्क्वायर ऑलरेडी है तो b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर b टू द पावर 4 ठीक है दिस टर्म कैन बी रिटन एज b स्क्वायर तो b स्क्वायर इनटू b स्क्वायर इज b टू द पावर 4 होल डिवीजन में आ जाएगा a स्क्वायर फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लोगे तो b स्क्वायर बाय a हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर बाय a तो एक y डैश का कोऑर्डिनेट प्लस b स्क्वायर बाय a एक माइनस b स्क्वायर बाय a तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए अब बेसिकली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रिक्वायर्ड था ना तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर बाय a b स्क्वायर बाय a 2b स्क्वायर बाय a तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो आता है एलिप्स का दैट इज 2b स्क्वायर बाय a ठीक है तो ये सारी चीजें अगर देखो मैं नहीं बताता तो भी अगर मैं आपको एज एन असाइनमेंट देता था तो भी आप कर सकते थे मतलब बायोलॉजिक अप्लाई कर सकते थे अगर मैं आपको पूरा थ्योरी बता देता कि लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है और अगर मैं बता देता कि माइनस सी कॉमा वाई डैश होगा तो वाई डैश के कोऑर्डिनेट्स निकालो तो आप लोग भी निकाल सकते थे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था बेसिकली इसको ई स्क्वायर नहीं सब्सटीट्यूट करता राइट साइड ले जाता तो भी हो जाता वो ई स्क्वायर मैंने क्यों सब्सटीट्यूट किया बिकॉज आप लोग को याद दिलाने के लिए कि सी बाई ए को ई भी लिख सकते हैं आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए हमेशा तो बेसिकली क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे कि 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर करते तो फिर हो जाता वहीं से सिंप्लीफाई हो जाता यहाँ से डायरेक्टली आप इस वाले स्टेप पे पहुंच जाते बट ठीक है वाई डैश के कोऑर्डिनेट्स आप बिना मेरे बताए भी निकाल सकते थे अगर मैं ये ऊपर वाले डेटा आपको सारा दे देता तो ठीक है तो दैट इज एग्जैक्टली वॉट कॉनिक सेक्शन इज ऑल अबाउट कि लाइक अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता एग्जैक्टली उसका फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप उसको डिराइव कर सकते हो बिकॉज यू नो द बेसिक्स And once you understand the basics, once you understand the process, the things becomes very easy. ठीक है? तो length of latest rectum 2b square by a ellipse के लिए याद रहेगा. Parabola के लिए कितना होता था? 2a. 4a होता था बेटा. बहुत simple सा है. y square is equals to 4ax. तो 4a जो होता था वो parabola का latest rectum होता था. ठीक है? Parabola के लिए 4a था. तो बस इतनी सी चीजें हैं एलिप्स में मैं वापस से बता दे रहा हूँ क्या क्या है एक लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस फोकस के कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स को वर्टिसेस भी बोलेगा अगर दोनों वर्टिसेस एक साथ लिखना है तो एक जनरल इक्वेशन एलिप्स की ए बी और सी का रिलेशन उसके बाद फिर एसेंट्रिसिटी क्या होती है एंड आफ्टरवर्ड्स लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है इतना ही सिलेबस में है आपके ठीक है तो दोनों तरह से पूछ सकता है कि लाइक एक ये वाला एलिप्स हो सकता है दूसरा वाई एक्सिस वाला एलिप्स हो सकता है बस इतना ही ध्यान में रखना है मूव करें नेक्स्ट पे हाइपरबोला पे यस सो नेक्स्ट इज हाइपरबोला अब हाइपरबोला में क्या होता है हाइपरबोला इज बेसिकली जैसे अब डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स लेते हो ना मतलब किसी भी पॉइंट का सम का डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट तो आपको एलिप्स मिल जाता है सिमिलरली किसी भी दो फिक्स पॉइंट से इफ डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है किसी पॉइंट का लाइक दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस लेट्स से दोनों का डिफरेंस इज लेट्स से दिस पॉइंट इज पी दिस पॉइंट इज एफ वन एंड दिस पॉइंट इज एफ टू तो पी एफ टू माइनस पी एफ वन इफ दैट इज कॉन्स्टेंट तो जो कर्व ट्रेस होता है जो कर्व ट्रेस होता है दैट कर्व इज हाइपरबोला दैट कर्व इज हाइपरबोला तो देखो अगर ये वाला डिफरेंस ये वाला यहाँ से हमेशा कांस्टेंट रहेगा लाइक ये डिस्टेंस जितना बड़ा है उतना ये वाला डिस्टेंस भी बड़ा है तो वापस से डिफरेंस कांस्टेंट आ जा रहा है यहाँ पे ले रहे हो तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इन दोनों का डिफरेंस जो भी हो रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है तो कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स जहाँ पे द डिफरेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट तो कर्व सच फॉर्म्ड इज हाइपरबोला कर्व सच फॉर्म्ड इज हाइपरबोला थ्योरी ये कहती है अब जनरल एप्लीकेशन क्या होता है मतलब थ्योरी तो ठीक है अब देखो जैसे यहाँ के लिए एक पॉइंट हो सकता है जो कांस्टेंट हो रहा है हो सकता है यहाँ के लिए वो चीज कांस्टेंट हो
वैसे सिमिलर टाइप का कुछ आपको इधर के लिए भी मिलेगा, लाइक PF1 माइनस PF2 भी तो कांस्टेंट हो सकता है ना, तो दैट इज व्हाई यू गेट टू कर्व्स इंस्टेड ऑफ वन कर्व, यू गेट टू कर्व्स। ध्यान से देखना कि लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का कोई ऐसा पॉइंट लो जहाँ पे कुछ ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लो जहाँ से डिफरेंस कॉन्स्टेंट हो रहा हो, तो एक तो ये भी हो सकता है जहाँ पे ये बड़ा हो जाए, एक ये वाले कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहाँ पे ये वाला डिस्टेंस बड़ा हो जाए, इस वाले फोकस से डिस्टेंस बड़ा हो जाए, तो दो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग एन हाइपरबोला। और अगर कॉनिक सेक्शन की बात करता हूँ तो कॉनिक सेक्शन में क्या होता है कि वंस यू गेट टू कॉन्स प्लेस्ड वन ओवर ईच अदर ज्वाइनिंग फ्रॉम हेड टू हेड, और अगर आपने कुछ ऐसा सा कट किया तो आपको ये वाला जो कर्व मिल रहा है, दिस कर्व इज बेसिकली हाइपरबोला। ठीक है, इस तरह से जो कोन का स्ट्रक्चर मिल रहा है, दिस कर्व इज बेसिकली हाइपरबोला। तो कॉनिक सेक्शन का कोन कैसे कट करते हैं वो है हाइपरबोला। एंड थ्योरी वाइज, लोकस वाइज या डेफिनेशन वाइज इट इज की किसी भी दो फिक्स पॉइंट से इफ द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट हैव कांस्टेंट डिफरेंस, whose difference is constant, ठीक है, तो from that point, उस fixed point का difference constant है, fixed points के difference का constant है, तो that is hyperbola theory wise। अब अगर hyperbola ऐसा है तो फिर hyperbola के वही वापस से कुछ parts होंगे, तो firstly एक hyperbola बनाते हैं general वाला, and उसके फिर equations derive करने की कोशिश करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें बताता हूँ जो जो होती हैं। तो देखो, I have this hyperbola. Hyperbola है मेरे पास। Hyperbola में clearly you can see that this will be the focus, right? This will be the focus. और एक मेरे पास center होगा, एक central axis होगी मेरे पास, ठीक है, तो this is my center. This is my center. अच्छा, कोई बता सकता है मुझे कि सेंटर भी कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो सकता है क्या? कैन सेंटर आल्सो बी ऑन कांस्टेंट डिस्टेंस? यस सर। लाइक किसी भी पॉइंट पे अगर सेंटर से आप निकालोगे तो यू विल गेट टू डिस्टेंस आर जीरो। तो अगर डिफरेंस जीरो मिल रहा है तो जहां जिस लाइन पे डिफरेंस जीरो मिल रहा है, ठीक है, जिस लाइन पे डिफरेंस जीरो मिल रहा है उसको हम बोलेंगे कौन सी एक्सिस? लास्ट स्लाइड दिखाना, एक मिनट मैं बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट लास्ट स्लाइड देख लें। ओके, सो हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि देखो, अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, राइट? इफ दैट डिफरेंस बिकम्स जीरो, जैसे यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, तो इस पॉइंट का अगर PF1 माइनस PF2 करोगे तो विल गेट एट जीरो। ठीक है, इस लाइन पे कोई भी ऐसा पॉइंट ले लोगे, PF1 माइनस PF2 विल बी जीरो। तो अगर ऐसा कोई लाइन बन रहा है, मतलब ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट जहाँ पे डिफरेंस इज कमिंग एज जीरो, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। एंड बेसिकली इसमें एक्सिस के नाम होते हैं हाइपरबोला में। This is transverse axis and this is conjugate axis. तो ये जो central axis जो मैं बोल रहा हूँ, इसको हम conjugate axis बोलते हैं। Conjugate is not conjugate is the word that you're not hearing for the first time. तो you should मतलब आपको पता है कि like conjugate axis बोलते हैं इसको, ठीक है। And transverse axis क्योंकि ये traverse कर रही है दोनों focuses को, दोनों focuses से pass हो रही है, तो दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस। अब फोकस के कोऑर्डिनेट स्टिल विल रिमेन सेम, सेंटर तो 0,0, सेंटर इज 0,0, ये वर्टेक्स हो जाएगा मेरा। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे हम इस एक्सिस को कट करते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं, कर्व जहां पे कट करते हैं। सब में यही हो रहा था, देखो एलिप्स में भी यही हो रहा था, एक्स एक्सिस को जहां पे एलिप्स कट कर रहा था उसको वर्टेक्स बोल रहे थे। ठीक है, तो वर्टेक्स आपको पता है कि एक्स एक्सिस को हाइपरबोला कहाँ पे कट कर रहा है उसको वर्टेक्स बोलेंगे। फोकस इज द पॉइंट जहाँ पे इसका इससे परपेंडिकुलर बनाने पे दैट विल मीट, तो दैट इज फोकस। तो वर्टेक्स ही हो गया, फोकस ही हो गया। अब इसमें भी फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? C,0 माइनस C,0 एंड C,0, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A,0 एंड माइनस A,0। ठीक है,
तो देखो अभी तक मुझे क्या क्या मैंने क्या क्या पढ़ा है कि हाइपरबोला होता क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत सिमिलर चीजें हैं जो हम पढ़ रहे थे एलिप्स में. एलिप्स और हाइपरबोला एकदम सिमिलर होते हैं, मतलब एज एन वहां पे सम लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, बस इतना सही दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं बोलूंगा कि एसेंट्रिसिटी, तो देखो जो मैं बोल रहा था ना वहां पे एलिप्स बताते बताते कि सी बाय ग्रेटर देन 1, हाँ तो देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा है वो सी यहाँ पे बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, ए छोटा है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. लाइक इफ दिस डिस्टेंस इज सी एंड दिस डिस्टेंस इज ए, तो सी बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो दैट विल बी ग्रेटर देन 1, तो सी बाय ए ग्रेटर देन 1, हाइपरबोला हो गया. ओके और नेक्स्ट मतलब ये एसेंट्रिसिटी इज सी बाय ए और वो आती ग्रेटर देन 1 है हाइपरबोला के लिए. ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या कहते हैं इसमें, हाँ हाइपरबोला की इक्वेशन देखते हैं. तो लेट्स टेक अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, नाउ यू नो कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस का डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, राइट? तो पहले कॉन्स्टेंट डिफरेंस निकाल लेते हैं, पी एफ वन माइनस पी एफ टू कितना आएगा. ठीक है, डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, तो अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे ले लूँ, पी पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, तो पी एफ वन कितना हो जाएगा, वॉट विल बी पी एफ वन? What will be PF1 anyone? C. C minus A हो जाएगा बेटा. C minus A. यही वाला distance निकालना है. ये पूरा distance C है, ये distance A है, तो C minus A हो जाएगा. ठीक है? Minus PF2. PF2 कितना हो जाएगा? P is this point and F2. C plus A. C plus A हो जाएगा. तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि like C से C cancel out हो जाएगा and you will get 2A. मॉड ले रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो फिर मॉड की जरूरत पड़ेगी. लाइक डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई. सो द डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड डिस्टेंस इज कमिंग एज टू ए, राइट? एज इन द केस ऑफ एलिप्स, वहां पे सम टू ए आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंस टू ए आ रहा है. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लेट्स टेक एन जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई और इक्वेशन डिराइव करेंगे. तो पी एफ वन माइनस पी एफ टू, तो पी एफ वन अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, रूट ऑफ एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए. एंड अपॉन सिमिलर सिंप्लीफिकेशन है जैसे उसमें थी, ठीक है, बस यहाँ पे उसमें एलिप्स में प्लस था बीच में, यहाँ पे माइनस है. तो अपॉन सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू विल बी गेटिंग इज कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. एलिप्स में बीच में प्लस आया था, यहाँ पे माइनस आएगा, बस इतना ही डिफरेंस है. ध्यान से देखना, मतलब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करना जैसे मैंने एलिप्स में करवाया था, आप सिमिलरली सिंप्लीफाई करना. यू विल बहुत बहुत बेसिक से सिमिलर सी इक्वेशन है, बस बीच में माइनस साइन है प्लस की जगह. ठीक है, तो सिमिलर स्टेप्स फॉलो करोगे एंड अपॉन सिंप्लीफिकेशन यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच इज वेरी सिमिलर टू एलिप्स, बीच में बस प्लस साइन होता है एलिप्स में. क्लियर? Yes. अच्छा, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बेटा इसको राइट हैंड साइड ले जाना माइनस वाले टर्म को, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना और क्या कहते हैं यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे बतानी है मुझे, जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वहाँ पे ए स्क्वायर होता था, यहाँ पे भी एक चीज़ होती है. तो यहाँ पे ए बी और सी का क्या रिलेशन होगा, कोई बता सकता है क्या? एनीवन इफ एनीवन वांट्स टू डिराइव द रिलेशन. What will be the relation of A, B and C? Sir, B क्या है इधर? हाँ, B क्या है वो बताना है मुझे. ठीक है, देखो B is एक मिनट देना बेटा मुझे, कॉल कर रहा है. ओके, यहाँ पे बेसिकली B क्या है, B is C square minus, यहाँ पे relation में बता देता हूँ, C square minus A square is equals to B square ऐसा होता है.
like c square minus a square is b square. इसका physical significance नहीं होता, इसका physical significance होता है मतलब like asymptotes बनाने के काम आता है. Asymptotes एक technical term है. Asymptotes वो lines होती हैं जो इस curve को बिना touch किए pass कर जाती हैं. ठीक है, इस curve को बिना touch किए pass कर जाती हैं. तो वहाँ पे b का role आता है. तो asymptotes जब पढ़ेंगे IIT वाले lectures में तब details में b के बारे में discuss करेंगे. अभी आपके book में even b mentioned भी नहीं है. बट एक रिलेशन जो होता है दैट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस रिलेशन फॉर नाउ. तो यहाँ पे जो बी है दैट कम्स आउट फ्रॉम दिस रिलेशन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. मतलब ये जो डिफरेंस होता है फोकस का स्क्वायर माइनस वर्टेक्स का स्क्वायर उसको हम बी स्क्वायर बोलते हैं. एंड बी कम्स आउट बी इज बेसिकली अ पॉइंट ऑन कॉन्जुगेट एक्सिस. तो वो हर हाइपरबोला के लिए डिफरेंट होता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द distance from center to focus ka square minus center to vertex ka square. Okay, to bas abhi ke liye aapko b itna hi janna hai ki what is b. And baki jab IIT wale lectures mein padhaunga to bahut detail mein padhaunga. Maximum syllabus is deleted aur aapke book mein b mentioned bhi nahi hai, but equation mein b mentioned hai. To b mentioned hai to equation mein to fir b pata hona chahiye like kya hota hai. So that is why bas b is this. Theek hai, x square minus a square plus minus y square upon b square is equals to 1. Ellipse में भी यही था ना? Ellipse में भी b था, but नहीं, ellipse में ये relation नहीं था. Ellipse में c square plus b square is equals to a square था. हाँ. यहाँ c square minus b square is equals to a square. ठीक है? तो बस ठीक है, इतना सही है. ध्यान देना, थोड़ा सा छोटे-छोटे changes हैं. ध्यान रखोगे तो याद रहेंगे. Okay. तो ये मेरा बी का रिलेशन हो गया. दिस इज माय क्या कहते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन. सिमिलरली अगर मेरा हाइपरबोला इस टाइप का हो जाएगा तो इक्वेशन क्या होगी एनीवन? सर वो x स्क्वायर के नीचे ये आएगा b स्क्वायर. हां, x और y की पोजीशन चेंज हो जाएगी. x और y की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यहाँ पे प्लस नहीं है बीच में, कि आप कुछ भी पहले लिख रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा. Like ellipse ke yahan pe the equation will be y square upon a square minus x square upon b square is equals to 1. Ellipse mein kya ho raha tha ki aap x square upon b square bhi pehle likh sakte the. Theek hai, basically fark ye pad raha tha ki y ke niche a hai ki x ke niche a hai, ye difference tha. Kyunki beech mein plus sign tha to 1 a plus b likho chahe b plus a likho baat barabar hai. But yahan pe you need to consider the fact that there is a minus sign in between. To a minus b and is not equal to b minus a. ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट. तो दैट इज वाई वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पहले लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है सर, आपने रूट में एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी किया है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. और यहाँ रूट में एक्स प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस रूट में x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a है ये ऊपर वाली इक्वेशन में. ठीक है, और c को कैसे रिप्लेस करोगे? c को इस रिलेशन से रिप्लेस करोगे तो b मिल जाएगा. डेरिवेशन करते वक्त बुक में डेरिवेशन दी है, एक मिनट लगेगा, देख लेना. वैसे मैंने एलिप्स में बताया हुआ है तो वहां पे कवर हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, आई वॉज टेलिंग कि इक्वेशन लिखते वक्त ध्यान देना कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पहले लिखना. ठीक है, यहाँ पे इस तरह से याद रखना कि लाइक जिस पे भी मेरा फोकस लाई कर रहा है, ऑन विच एवर एक्सिस द फोकस इज लाइंग, तो दैट विल बी रिटन फर्स्ट. तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि फोकस लाई कर रहा है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सी जीरो कॉमा सी फोकस इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अगर फोकस इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पहले लिखेंगे. बस ये चीज याद रखना, याद क्या रखना, क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर हो जाएगा. अभी एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा. नेक्स्ट इज, इसमें भी ठीक है, सॉरी अबाउट दैट. तो इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम आता है. ठीक है, इसमें भी लेटेस्ट रेक्टम आता है एंड लेटेस्ट रेक्टम इज सेम 2b square upon a. मतलब even the derivation is same, 2b square a, 2b square upon a. जैसे अभी यहाँ पे derive करवाया ना, तो यहाँ पे latest rectum क्या हो जाएगा?
लेटेस्ट रेक्टम विल बी फोकस से पास होने वाला डिस्टेंस, फिर वही पॉइंट लोगे, ठीक है, वही पॉइंट लेकर के फिर उसको वाई डैश मानेंगे, उसका वाई एक्स एक्सिस सेम हो जाएगा, माइनस ए कॉमा वाई डैश, अब सॉरी माइनस सी कॉमा वाई डैश, फिर वही सेम डेरिवेशन है जो मैंने अभी वहाँ करवाया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है कि वाई डैश कैसे निकालेंगे, तो एलिप्स की इक्वेशन को, हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, निकालोगे तो आपको अपने आप ही सारी चीजें मिलती जाएंगी, रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो यू विल गेट द वाई डैश एज 2b² प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, जो भी करवाया है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी ट्वाइस, क्योंकि ट्वाइस क्यों, क्योंकि ऊपर भी जितना डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस नीचे, तो 2b² बाई ए आ जाता है. तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² बाई ए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² बाई ए. अब देखो हाइपरबोला और एलिप्स ऐसे टॉपिक्स है ना कि एकदम सेम है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लाइक कहीं पे सी बाई ए ग्रेटर देन वन है तो कहीं लेस देन वन है, एक जगह प्लस साइन है बीच में, एक जगह माइनस साइन है इक्वेशन में, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दोनों का सेम है, ठीक है, उसके बाद फिर फोकस के कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दोनों के सेम है, तो अच्छा एक और चीज, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी 2a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस विल बी 2b, length of conjugate axis will be 2b, length of conjugate axis will be 2b, ठीक है, तो ellipse और hyperbola जो है वो एकदम similar cases है with minute changes, थोड़े बहुत changes के साथ, तो in paper you will not be expecting both the questions from both the topics, you can expect questions from any one topic, या तो ellipse से आएगा या तो hyperbola से आएगा, बस क्योंकि एकदम सेम है तो वापस से मतलब नहीं होता कि सेम क्वेश्चन पूछने का, कुछ उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुई बेसिकली, बस वो ये फिर तो ये चेक करना होगा कि आपको एलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस पता है कि नहीं, तो वो पता है जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको इतना बेसिक चीज नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, तो एलिप्स और हाइपरबोला में से किसी भी एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर हु इज सेटिंग द पेपर. सर क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला इतने सिमिलर है सो माइनर माइनर कंफ्यूजन के चांसेस हैं, वो तो उसके लिए मान लो एक साल हाइपरबोला पूछ लिया, एक साल अगले साल एलिप्स पूछ लिया, तो वो चीजें हैं, बट नॉलेज टेस्टिंग नहीं हुई ना तुम्हारी, नॉलेज टेस्टिंग तो तब होगी लाइक जब डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में क्वेश्चन के एप्लीकेशंस पूछेगा, तो लाइक पैराबोला से क्वेश्चन पूछेगा और एलिप्स से पूछेगा तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंस ही नहीं है ना, लाइक पैराबोला इज एंटायरली न्यू टॉपिक, अगर ऐसा एलिप्स और हाइपरबोला देखोगे तो वहां से क्वेश्चन ऐसा, तो फिर मोस्टली तो क्वेश्चन पैराबोला से ही आता है, बट अगर एलिप्स और हाइपर, मतलब 70% ऑफ द पेपर्स में क्वेश्चंस इज फ्रॉम पैराबोला, मतलब बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस तो पूछ ही लेते हैं, लाइक लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सब छोटी छोटी चीजें तो पूछ ही लेगा, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम पैराबोला, जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं. बट इन केस यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम, मतलब अगर आपको एलिप्स या हाइपरबोला जैसे टॉपिक से, मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं दोनों में से, मेरी माइंड सेट यही रहेगा कि ठीक है तो सिमिलरली टॉपिक्स हैं तो दोनों में से किसी भी एक से पूछ लेते हैं, अगर एक आता होगा तो दूसरा तो सिमिलरली करके हो ही जाता है, सॉर्ट ऑफ रादर देन वहाँ पे क्वेश्चन वेस्ट करने या नंबर वेस्ट करने के अकॉर्डिंग उस सिग्निफिकेंस में, ठीक है. तो हाइपरबोला की इक्वेशन में बीच में माइनस आता है, ध्यान रखना एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन ए, ग्रेटर होती है ए से, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b, और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है वो भी आपको पता है, तो ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दिया 2b² बाई ए होता है, और आपको बता दिया कि दोनों का डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता है, वो कॉन्स्टेंट क्या होता है 2a होता है, तो ये सारी चीजें हो गई, बाकी तो सिलेबस आपके उससे डिलीटेड है. तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करो दो तीन, जैसे मान लो आई हैव अ क्वेश्चन इज कि आई हैव एन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, नाउ आपको बताना है कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी, एक मिनट, length of conjugate axis, latest rectum, transverse axis, length of conjugate axis, latest rectum, transverse axis, ये सब बताना है.
उसके बाद आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, और आप क्या बता सकते हो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट, लेटेस्ट रेक्टम पूछ ही लिया मैंने, और क्या ही बताओगे, चलो इतना ही बताओ। सर एक मिनट, पिछला स्लाइड देखो। हाँ बेटा, एक और चीज मुझे यहाँ बतानी है, मैं बता देता हूँ फिर आप लोग स्टार्ट करो। जैसे ये आपको कुछ वैसा दिख रहा है, लाइक पैराबोला टाइप का दिख रहा होगा आपको कुछ स्ट्रक्चर, राइट? तो इफ दिस डिस्टेंस इज ए, तो ए डिस्टेंस पीछे इससे क्या बनता था पैराबोला में, ये अगर वर्टेक्स था, मतलब फोकस था 0, a पे, तो ये डिस्टेंस अगर ये था, तो ए डिस्टेंस पहले क्या बनता था, यहाँ एक लाइन आती थी, इसको क्या बोलते थे, राइट, डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे, ठीक है? तो डायरेक्ट्रिक्स भी आता है इसमें, और डायरेक्ट्रिक्स के व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो देखो अगर ये डिस्टेंस ए है तो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो बी ए, राइट? तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी माइनस टू है, वो डिस्टेंस आपने ए बोला ना? हाँ वो डिस्टेंस मैंने ए बोला, सी माइनस टू है, सी माइनस टू है। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, बाद में इसको देखेंगे। नोट दिस डाउन एज, दिस डिस्टेंस, दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल्स टू ए ई, तो ए ई कॉमा जीरो, दिस इज ए ई कॉमा जीरो, मतलब ये वाला पॉइंट इज ए ई कॉमा जीरो, तो दिस लाइन इज एक्स इज इक्वल्स टू ए ई। सॉरी ए बाई ई कॉमा जीरो, तो ए बाई ई। अच्छा ए बाई ई, इफ ई इज सी ए, E is C by A, तो अगर C by A substitute करेंगे वहां पे, तो what am I getting? A square by C, comma zero. A square by C, comma zero. और actually इस वाले C को ना हम A के terms में अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं AE. राइट एवरीवन, एसेंट्रिसिटी सी बाई ए होती है, तो अगर सी को रिप्लेस करोगे, ई इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो फिर रिप्लेस सी, तो ई ए से रिप्लेस कर सकते हो या ए ई से रिप्लेस कर सकते हो। तो फोकस के कोऑर्डिनेट अगर ए ई है, दिस वर्टेक्स इज ए, तो डिफरेंस इज, दिस डिफरेंस इज वन माइनस ई, ठीक है? इसको छोड़ो, इसको बाद में करते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो आती है आपकी, इक्वेशन ऑफ वर्टिसेस की डायरेक्ट्रिसेस जो आते हैं आपके, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, सिंगुलर में डायरेक्ट्रिक्स यूज होता है, प्लूरल में डायरेक्ट्रिसेस यूज होता है, दैट इज प्लस माइनस ए बाई ई कॉमा जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, x is equals to plus minus a by e, ये होती है equation of directrix hyperbola की, ठीक है? ellipse में नहीं आता hyper directrix, remember, parabola में, hyperbola में आता है, ये दिया नहीं है आपकी बुक में, मतलब as in solved example में question पूछा है, आपकी बुक में वो डिटेल में दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये भी निकालना है, eccentricity क्या होगी and equation of directrices क्या होंगे। ओके तो ये क्वेश्चन करवाऊंगा या आप लोग करोगे?
कौन सा वाला जनरल फॉर्म दिख रहा है आपको? ये फॉर्म दिख रहा है, क्योंकि माइनस के पहले हमेशा ए स्क्वायर आता है, यू गाइस नो दैट। ठीक है, अगर ए पता है मुझे और बी पता है तो यहाँ से ए मुझे कितना मिल गया, टू, और बी कितना मिल गया, टू रूट थ्री, टू रूट थ्री मिल गया। तो सी निकाल सकते हो, सी कितना आ जाएगा, रिमेंबर द रिलेशन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो ना, तो दैट इज 12 प्लस 4 16, सी 4 आया, मतलब प्लस माइनस 4। हाँ, सी 4 आ गया। अब लेंथ ऑफ ये क्या होता है, कॉन्जुगेट एक्सेस कितना हो जाएगा, 2b होता है, 4 root 3 हो गया। लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाता है, 2b स्क्वायर बाई ए, 12 2b स्क्वायर बाई ए, तो हाँ 12 आ गया। उसके बाद फिर ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है, 2a व्हिच इज इक्वल्स टू 4 फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इस वाले के लिए, प्लस माइनस 3 कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0। वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो दैट विल बी प्लस माइनस 2 कॉमा 0। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, which will be equal to c by 2 हो गई, 2 greater than 1 आ रही है। equation of directrix plus minus a by e which is equals to e कितना आएगा, e तो 2 आया यहाँ पे, तो a कितना, a भी 2 है, तो plus minus 1। the equation of directrix मिल गए, directrices, तो सारी चीजें मिल गई एक equation से, एक सिंपल से इक्वेशन से। देखो कितनी सारी चीजें मुझे मिल सकती हैं। क्लियर हुआ सबको ये सारे फॉर्मूले? यस सर, यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट, ये वाले क्वेश्चन तो है नहीं सिलेबस में। निकालो, सेंटर दिया है ओरिजिन पे, सेंटर इज एट ओरिजिन, ट्रांसवर्स एक्सिस इज की लेंथ दी है 12, एंड वन फोकाय इज एट 3√5,0, ये गिवन है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालो। सेंटर इज एट ओरिजिन, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ आपको 12 दी है, वन फोकाई इज एट 3√5,0, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सही है,
सर x स्क्वायर बाय 36 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 राइट करेक्ट तो यहां से सर सेम आया हां सेम आएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा 2a तो यहां से आपको a पता चल गया व्हिच इज 6 नेक्स्ट फोकाई गिवन है तो फोकाई से आपको क्या पता चल जाए c यू नो द रिलेशन दैट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर तो 3√5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 45 माइनस a स्क्वायर इज 36 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर तो b स्क्वायर इज 9 तो अब इक्वेशन कौन से फॉर्म में है लाइक इक्वेशन का फोकस देखो तो फोकस इज ऑन x एक्सिस तो फोकस इज ऑन x एक्सिस तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सॉरी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड वंस यू गेट दिस फॉर्म तो फिर देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा इट इज लाइक x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू 9 इज इक्वल्स टू 1 दिस इज माय इक्वेशन ऑफ पैराबोला हाइपरबोला एंड वंस यू गेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फिर मुझसे कुछ भी पूछ ले सी ए एल आर टी ए मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस लेटेस्ट रेक्टम ट्रांसवर्स एक्सिस फोकाई वर्टिसेस एसेंट्रिसिटी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस बस यही 7-8 टॉपिक्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक्स हैं जो पूछेगा तो कुछ भी पूछ ले तो यू नो दैट ठीक है तो द चैप्टर इज कंप्लीट फॉर यू जो इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज है देखो जैसे डायरेक्टर सर्कल टेंजेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसके बाद ऑक्सिलरी सर्कल मतलब हर किसी का ऑक्सिलरी सर्कल होता है एक वो अलग अलग उस पर वेरी करता है तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस तो ये एलिप्स और हाइपरबोला के लिए चारों टॉपिक्स मत पढ़ना ठीक है तो इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो इग्नोर दोज क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं आपको जब आप क्वालिटी वाले लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा ये सब तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हो उन क्वेश्चंस को इफ आपको लगे कि ये लाइक बेसिक क्वेश्चंस करने हैं मुझे तो आपके बुक में बेसिक क्वेश्चंस ही दिए होंगे तो जब आप उस टाइम पे पढ़ोगे पहली पहली बार तो आप बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लेना फॉर रिवीजन पर्पस बट स्कूल एग्जाम्स में आंसर रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है द सिलेबस इज डिलीटेड डायरेक्टर सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल टेंजेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एसिम्प्टोट्स ये सब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जितने मैंने पढ़ाए हैं बस उसको छोड़ करके अगर कुछ भी टॉपिक पूछेगा तो फिर वो मतलब नहीं पूछेगा स्कूल एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस करने होंगे तो क्वेश्चंस करते वक्त ध्यान देना कि लाइक अवॉइड दीस टॉपिक्स ओके ठीक है तो द चैप्टर इज कंप्लीट और अब आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर है भी नहीं तो आई एम एंडिंग दिस सेशन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे एंड सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है नेक्स्ट चैप्टर मैं सोच रहा हूँ बुक वन कंप्लीट ही कर दूं अब दो चैप्टर्स बचे हुए हैं एक मिनट लेट मी ओपन द बुक इलेवेंथ इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन और प्रोबेबिलिटी है नहीं मेजर ऑफ डिस्पर्शन और प्रोबेबिलिटी मैं बाद में ही पढ़ाता हूँ तो इतने ऐड आते हैं ना एप्स पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं यूट्यूब पे नहीं ये बुक वाला ऐप है ना जो आप लोगों का अच्छा उस पे हाँ हाँ उस पे भी ऐड आता है कॉम्प्लेक्स नंबर सीक्वेंस ऑफ सीरीज परमिटेशन इन कॉम्बिनेशन नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस ऑफ सीरीज स्टार्ट करेंगे वो एक दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट विल स्टार्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज उसके बाद फिर सेट्स और रिलेशन पढ़ाई दिया उसमें से हाँ ठीक है वो वाली बुक कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि बाइनोमियल भी आप लोगों ने पढ़ रखा है काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है मतलब एक्सेप्ट फॉर जुलाई बैच तो सीक्वेंस एंड सीरीज बाइनोमियल जब तक पढ़ाऊंगा तब तक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके आईआईटी वाले लेक्चर्स में आगे बढ़ चुका होगा तो वो भी पढ़ाना ईजी रहेगा एंड फिर कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन काफी चैप्टर्स हैं यार तो नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज डिफरेंशिएशन इसी साल है मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन है वो
ओके मतलब हाँ तुम्हारे में मतलब वो दे दिया है एज एन क्या कहते हैं ओवरव्यू दे दिया है कि क्या पढ़ोगे बेसिकली ठीक है तो नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में पढ़ा है वो सब भी होगा मतलब हाँ मतलब नहीं लिमिट्स पढ़ने के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज बहुत डिफरेंट मतलब जो डिफरेंशिएशन करना है बस बेसिकली वो नहीं होता बहुत कुछ होता है उसमें हिडन मीनिंग होता है तो बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी ठीक है हाँ यश मैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन सिखा सकता हूँ आई विल टीच यू गाइज नॉट टू वरी मतलब वंस विल रीच दैट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज तो करना ही है परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद तो नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू सीक्वेंस एंड सीरीज चलो ठीक है एंजॉय थैंक यू एवरीवन बाय सर बाय बाय सर थैंक यू सर थैंक यू बाय